नमस्कार। आज हम आए हैं वर्कआउट पर और आज मैं साथ में छोटे बच्चे को भी लेके आया हूँ, क्योंकि फ़ोन का चलन है बच्चों में बढ़ चुका है। ऑनलाइन क्लासों की वजह से या माता पिता के अधिक व्यस्त होने के कारण बच्चों को समय ना देने दे पाने के कारण जो मोबाइल फ़ोन है वो बच्चों का एक अजीज मित्र, एक साथी बन चुका है। तो हमने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है, इसके लिए हम क्या करें। सुबह जल्दी उठे, आप घर पर भी काफ़ी कुछ करवा सकते हो बच्चों को, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो बना के डाली है, तो इसके संदर्भ में हम और भी वीडियो डालेंगे आगे। दूसरा, आप जल्दी उठे और बच्चों को साथ में लेके आएँ, क्योंकि अगर आप कुछ सुबह करते हो, अगर आप थोड़ा टाइम देते हो दौड़ने के लिए या कुछ अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए, तो इससे बच्चा क्या है जल्दी उठेगा, उसकी आदत बिल्ड होगी जल्दी उठने की, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। दूसरा, वो कुछ हद तक थक जाएगा सुबह और दोपहर को वो सो जाएगा, दोपहर के समय वो फोन नहीं देखेगा, सो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। तीसरा, वह रात को जल्दी सो जाएगा, क्योंकि इन दिनों दिन बड़े हैं रातें छोटी हैं, तो रात को अगर जो बच्चे जल्दी सोते हैं या कोई भी व्यक्ति जल्दी सोता है तो सुबह जल्दी उठता है। दूसरा, वो सारे दिन तरोताज़ा रहता है, जो बच्चा सुबह फिजिकल एक्टिविटी करता है वो तरोताज़ा रहता है, समय पर सोएगा, समय पर सभी कार्य करेगा। तो हमने आदत डालनी है बच्चे फ़ोन पर व्यस्त ना रहें, इसलिए हम थोड़ा बहुत खुद भी वर्कआउट करें और बच्चों को करवाएं। तो सुबह आप वर्कआउट के लिए आएँ, इस प्रकार का जो रोड है, जो ऐसा रोड है, ऐसे रोड पर साफ रोड अगर घर के आसपास है या कहीं है तो नंगे पैर चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो भी दब जाते हैं। तो आज हम बच्चे को साथ में लेके आए हैं, तो बच्चों को साथ में लेके आऊँ आज मैं, हम वर्कआउट करेंगे सुबह। तो सुबह सुबह वर्कआउट करने से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं तरोताज़ा रहते हैं, उनकी आदतें सुधरती हैं, और जो बच्चा फिजिकल गतिविधियों में भाग लेता है, तो आज इसको चप्पल में लेके आया हूँ, क्योंकि कुछ समय तक इसको नंगे पैर दौड़ाएंगे। जो दौड़ नहीं सकता वो चल सकता है, खास करके इन दिनों जो बीपी शुगर की दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर चलेगा भी डेली, अगर 2-3 किलोमीटर पैदल चल भी लेता है, तो उससे धीरे धीरे समस्या कम हो जाएगी। तो हमने बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है और शारीरिक गतिविधियों में बच्चों को भाग देने के लिए उत्साहित करना है। तो अब हम वर्कआउट करते हैं, आप भी अपने बच्चों को जल्दी उठने का डालिए। अगर पार्क में नहीं जा सकते, घर के पास कोई रोड है या घर पर ही एक्टिविटी करवा सकते हैं।